श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस को एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और इस डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां जैकलिन ने इस ब्रांड से जुड़ने पर अपनी खुशी जाहिर की। इट्स काइंड ऑफ सरियल दैट आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ एंड आई हैव अ माय पिक्चर इज यू नो अलोंग विद द ब्रांड्स, आई मीन अमेजिंग प्रोडक्ट्स, रिलायबल प्रोडक्ट्स, इंस्पायरिंग प्रोडक्ट्स। सो It's a really, really, I mean, I'm just extremely excited to be here today. अमिताभ बच्चन की अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा लीडर का फर्स्ट लुक हाल ही में लॉन्च किया गया। इस इवेंट में बिग बी के साथ नजर आए एक्टर गुलशन ग्रोवर। इस फिल्म को बिग बी के पर्सनल मेकअप मैन दीपक सावंत ने प्रोड्यूस किया है और मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान बिग बी ने इस फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। दीपक का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पिछले 40 वर्षों से हमारे चेहरे की देखभाल करते रहे हैं और जब कभी भी ये अपनी फिल्म बनाते हैं तो उसमें मुझे एक छोटी सी भूमिका करने को दे देते हैं। इस फिल्म को हमने दरअसल भोजपुरी में बनाई थी, उसके बाद अब इसका अनुवाद हो करके अब ये हिंदी में रिलीज़ हो रही है और जितनी सफलता भोजपुरी फिल्म को मिली उससे कहीं दुगनी इस फिल्म को भी मिले, यही हमारी। थैलेसीमिया अफेक्टेड बच्चों के लिए हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई एनिमेटेड फिल्म रियो 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसे अटेंड किया आयुष्मान खुराना, रोहित रॉय और टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने। टेक अ लुक। शोमैन सुभाष घई और टेनिस प्लेयर लियांडर पेस हाल ही में नजर आए एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट में, विच वॉज एम्ड टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ स्पिरिचुअल लव। देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। एकता कपूर की नेक्स्ट प्रोडक्शन फिल्म कुकू माथुर की झंड हो गई का फर्स्ट लुक रिसेंटली लॉन्च किया गया, जिसमें नजर आ रहे हैं कई न्यू कमर्स, लेकिन एकता इस इवेंट पर नजर ही नहीं आई और एकता की एब्सेंस में इस फिल्म लॉन्च इवेंट की कमान संभाली फिल्म के म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने, जिन्होंने कभी गाकर तो कभी शायरी सुनाकर सबको एंटरटेन किया। आशुतोष गोवारकर ने उनकी फिल्म मोहनजोदारो के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था एंड देन ही वेटेड पेशेंटली फॉर ऋतिक टू कंसिडर द फिल्म विदाउट अप्रोचिंग एनी अदर एक्टर। खबरों की माने तो ऋतिक ने इस फिल्म के लिए फाइनली अपनी हामी भर दी है। अनुराग बासु, एक पटना बेस्ड जीनियस मैथमेटिशियन, आनंद कुमार की लाइफ पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे एंड ही वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद द मैथमेटिशियन एंड हिज फैमिली, पर अब बासु ने इस फिल्म को शेल्व करने का फैसला कर लिया है और आनंद कुमार की माने तो बासु हैज अपेरेंटली सडनली कट ऑफ कॉन्टैक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट एनीथिंग। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता रिसेंटली रीच्ड आउट टू हर फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एंड हर वेलविशर्स ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट टू हेल्प आउट एज हर ड्राइवर्स डॉटर वाज बीइंग टीज्ड बाय सम बॉयज। ईशा वेंट आउट ऑफ हर वे टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज टेकन केयर ऑफ। अर्जुन कपूर को अब तक उनकी हर फीमेल को स्टार के साथ लिंक किया गया है और इस बात पर जब अर्जुन का रिएक्शन मांगा गया तब उन्होंने कहा, आई एम एन एक्टर एंड वी डोंट हैव प्राइवेट लाइफ बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन एंड दिस इज अ स्मॉल प्राइस टू पे। डायरेक्टर कुणाल कोहली एक टेलीविजन शो में जज बने हैं और कोहली अपने इस न्यू कमिटमेंट से काफी खुश हैं, एज ही इज नॉट ओनली गेटिंग ग्रेट रिस्पांस फॉर द शो बट ही इज आल्सो बीन गेटिंग मोर जजिंग ऑफर्स एंड ऑफर्स टू अटेंड सेवरल इवेंट्स। इस साल ऐश्वर्या राय बच्चन, फ्रीडा पिंटो और सोनम कपूर के साथ साथ एक पॉपुलर ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड से न्यूली एसोसिएटेड कटरीना कैफ कैन फिल्म फेस्टिवल नहीं अटेंड कर पाएंगी, एज द प्लान्स फॉर द फेस्टिवल आर लॉक्ड वे इन एडवांस एंड दिस ईयर्स प्लान वाज फाइनलाइज्ड बिफोर कैट केम ऑन बोर्ड। इन दिनों आदित्य चोपड़ा के बंगलो की सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, विद द बंगलो बीइंग टर्न्ड इनटू अ फोर्ट्रेस ऑफ सॉर्ट्स अवेटिंग द रिटर्न ऑफ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर विद वाइफ रानी मुखर्जी। खबरों की माने तो द चोपड़ास बीइंग वेरी प्राइवेट, दे डू नॉट वांट शटरबॉक्स टू क्लिक एनी पिक्चर्स ऑफ द न्यूली वेड। सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कोचा दैया में काफी हाई एंड टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं और इस फिल्म को टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाने के लिए हॉलीवुड के कई स्टूडियोज को इन्वॉल्व किया गया है, विच हैव टर्नड आउट फिल्म्स लाइक द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, द मामी 3 एंड वर्ल्ड वॉर 2।
ऐसा सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा की लाइफ पर बेस्ड एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म बनाई जाएगी विच विल बी टाइटल्ड 67 डेज और इस फिल्म को लिखा है पीसी के फॉर्मर सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने हु हैड बीन जेल्ड फॉर एलिजिडली हैरेसिंग प्रियंका एंड हर फैमिली। इस फिल्म के लिए अपेरेंटली पावली दाम, इरफान खान और रणदीप हुडा को अप्रोच किया गया है। रैपर हनी सिंह दुबई के उनके एक दोस्त के साथ बहुत जल्द एक मेंस क्लोथिंग लाइन लॉन्च करने वाले हैं, विच विल बी कॉल्ड ब्राउन बॉयज फैशन। हनी सेज दैट ही वांट्स इंडियन मेन टू बी देमसेल्व्स व्हेन दे आर डॉनिंग क्लोथ्स रादर देन एट इन द वेस्ट। खबर मिली है कि सलमान खान ने उनकी अपकमिंग फिल्म नो एंट्री में एंट्री के एक सॉन्ग के लिरिक्स खुद लिखे हैं एंड द सॉन्ग हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। इस सॉन्ग को कंपोज किया है पलाश मुच्छल ने एंड इट हैज बीन संग बाय हिज सिस्टर पलक। बिपाशा बासु की हॉलीवुड फिल्म सिंगुलैरिटी का टाइटल बदलकर अब द लवर्स कर दिया गया है और इस फिल्म को कैन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि बिपाशा कैन्स के रेड कार्पेट इवेंट को भी अटेंड कर सकती हैं। अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर एक्शन ड्रामा तेवर इस साल दिसंबर 5 को थिएटर्स में आएगी। वैसे इस फिल्म का लास्ट शेड्यूल आज से मुंबई में शुरू होगा एंड इट वुड रैप अप बाय द एंड ऑफ जून इन वाराणसी। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा इन दिनों उनकी नेक्स्ट फिल्म पर काम शुरू कर रहे हैं विच इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और उन्होंने हुमा कुरैशी को इस फिल्म में फीमेल लीड के लिए फाइनलाइज कर लिया है। सलमान खान को रिसेंटली उनकी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर स्पॉट किया गया वेयर ही वाज सीन स्पॉटिंग अ फ्रेंच बियर्ड जो कि अपेरेंटली इस फिल्म में उनका लुक है।